तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल TFI टॉप 5 इन्फॉर्मेशन 2.0। तो गाइस, मैंने पता था आपको कि मैं डिस्पर्सल का ज़रूर से पार्ट 2 डालूंगा और मैंने ये डाल रहा हूँ। तो गाइस, चलो वीडियो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। गाइस, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। मतलब अभी देखो, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स मतलब क्या रहता है, वो पहला कंसेप्ट है। गाइस, अभी सबसे पहले डिस्पर्सल बाय सीड्स रहता है। अभी देखो, अगर हमने एक तुलसी डिस्पर्सल मतलब जो सीड्स रहते हैं प्लांट्स के, वो प्लांट उस सीड को फेंक देता है, मतलब थ्रो करता है। अगर हमने एक तुलसी का पॉट रखा हो इधर और बाजू में और एक पॉट रखा होगा, और एक पॉट में तुलसी का प्लांट होगा और दूसरे पॉट में कुछ नहीं, एम्प्टी, एकदम एम्प्टी। आप ये एक्सपेरिमेंट ट्राई करो, अगर जमता है तो करो। और फिर अगर आपने 10-20 दिन बाद देखा तो वहाँ पर एक नया आपको पेड़ दिखेगा, मतलब तुलसी का। इट्स इंटरेस्टिंग फैक्ट गाइज। अभी दूसरी फैक्ट है कि गाइज, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स मतलब तो वो थ्रो करना ही था। तो ये फर्स्ट थी। सेकंड है डिस्पर्सल बाय विंड। अब ये विंड रहता है, एनिमल्स रहता है, बहुत कुछ रहता है, वाटर्स, ह्यूमंस, मैं सब बताने वाला हूँ इसी वीडियो अभी के अभी। तो डिस्पर्सल बाय विंड है गाइस। तो सम सीड्स आर स्मॉल एंड लाइट इन वेट, मतलब देखो ड्रम स्टिक्स और बहुत कुछ, मतलब तीन प्लांट्स या फिर बहुत कुछ हो गए प्लांट्स जो आपको मालूम है, वो डिस्पर्सल हो जाते हैं, मतलब वो बहुत लाइट वेट रहते हैं, इसलिए जब हवा आती है तब उसके वजह से वो प्लांट्स, उनके सीड्स, वो छोटे छोटे मतलब हवा में उड़ जाते हैं और कहीं और ज़मीन पर गिर जाते हैं। तो गाइज, ये इसीलिए होता है क्योंकि गाइज मतलब देखो, अब एक प्लांट तो इतना सारा उठा नहीं सकता, इसलिए वो या तो फिर वो गिर सकता है, इसलिए ये रहता है। अगर वो छोटा हो तो ही, बड़ा होगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है गाइज। तो गाइज, अभी ये देखो इन्फॉर्मेशन नंबर 2 थी ये गाइज, और हम अभी इन्फॉर्मेशन नंबर 3 के पास बढ़ते हैं गाइज। इन्फॉर्मेशन नंबर 3 है गाइज की डिस्पर्सल बाय वाटर। तो वाटर कैसे होता है आपको तो मालूम नहीं है गाइज। अभी डिस्पर्सल बाय, अगर किस किस को मालूम होगा तो वेरी गुड, नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ गाइज। डिस्पर्सल बाय वाटर है कोकोनट और लोटस। लोटस तो पानी में ही रहता है यार, उसकी क्या चिंता गाइज। अभी डिस्पर्सल कोकोनट, कोकोनट कैसे कह जाएगा आप भी बोलो। तो कोकोनट गाइज ऐसा रहता है कि वो कुछ कुछ कोकोनट सी के उस उधर रहता है ट्रीज, इसलिए गाइज। तो फिर वो उसका कोकोनट नीचे गिरता है, वो गिरते गिरते पानी में जाएगा, पानी सी में जाएगा। सी में जाने के बाद जहाँ पर जाएगा वहाँ पर वो अंदर जाएगा, हम उसे फेंक के, मतलब कभी कभी उसे काट के पीते हैं हम पानी। उसका पानी बहुत अच्छा लगता है गाइज, मैंने पिया है, बहुत अच्छा है उसका पानी गाइज। फिर वो फ्लोट होके, वो फ्लोट भी हो सकता है, मैं आपको उसकी पिक्चर दिखाता हूँ। उस इधर ऊपर आपको दिख रही ना उसकी पिक्चर, वो मैं मतलब देखो, अब देखो गाइज, मतलब जो रिवर्स उसमें नदी, उधर वो पेड़ रहता है एकदम तो, मतलब देखो अब इधर पानी ऐसा जा रहा है और इधर एक कोकोनट का ट्री है, तो कोकोनट का ट्री गिरेगा पानी में और फिर वो ऐसा पानी उसको फ्लोट करके जाएगा। वो फ्लोट भी होता है कोकोनट गाइस, कोकोनट फ्लोट होता है। तो अभी ये थी इन्फॉर्मेशन नंबर 3। अब इन्फॉर्मेशन नंबर 2 थी या 3, चलो 2 मान लेते। डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। अब एनिमल्स कैसे क्या डिस्पर्सल करेंगे वो तो आपको मालूम ही है गाइस। डिस्पर्सल बाय एनिमल्स है जो, मतलब एनिमल्स हेल्प इन डिस्पर्सल गाइस, इसमें कुछ हंसने की बात नहीं है। तो गाइस अभी देखो, डिस्पर्सल बाय एनिमल्स होता है, वो खाते उस प्लांट्स को खाते, आपको तो मालूम ही होगा डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, वो खाते उस पेड़ को। फिर जैसा हमारा रहता है ऑर्गन्स में जाके, वो जो वेस्टर्न फूड है वो जाता है फिर वो।
उससे वो प्लांट्स उसमें जाते हैं, सॉइल में जाते हैं नीचे, वो नेचर है, नेचर से अंदर जाते हैं, फिर वो ट्रीज उगते हैं। ये थी डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन ही मतलब का है, सम देखो सीड्स ऑफ सम प्लांट्स आर डिस्पर्सल व्हेन दे रिप्ट फ्रूट्स बस्ट ओपन, फॉर एग्जांपल ब्लास्मा ब्लास्मा तुलसी एंड पी पॉड। तो गाइज मैंने पता था आपको तुलसी भी है। गाइज आज के लिए बस नहीं, आज के लिए बस नहीं इतना गाइज, और आपको बहुत कुछ बताना है। डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, अब ये बुक मैंने साइड में रख दी गाइज, बुक साइड में मैं इसका बता रहा हूँ। तो गाइज डिस्पर्सल बाय एनिमल्स है क्योंकि अब देखो एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स नहीं ह्यूमंस क्या करते हैं, हम देखो हम जहाँ पर भी जाते हैं हम वहाँ से आते हैं, घूम फिर के आते हैं, पर इस COVID-19 के लॉकडाउन के वजह से नहीं जा पाते। अब तो गाइस लॉकडाउन अभी तक उठा नहीं है, तो आप घर में ही रहो। तो गाइस देखो हम ऐसे फिर आते हैं कहाँ से तो भी, और हमें वो कुछ सीड्स लग जाते हैं जो हम निकाल के फेंक देते हैं। तो जब हम वो फेंकते हैं तब उसमें से वो सीड्स आते हैं, समझे गाइस, सीड्स आते हैं उसमें से, इसीलिए गाइस प्लांट्स उगना शुरू हो जाते हैं। तो गाइस ये थी ना इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये ना देखो गाइस अभी हम कहाँ पर भी कुछ भी रखते हैं, हमारे पैंट को लगता है, कहाँ पर भी लगता है, शर्ट को लगता है, तो फिर हम वहाँ पर जाते हैं, फिर हमें दिखता है वो, फिर हम ऐसा 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 करते हैं, फिर वो निकल जाता है, फिर हवा की वजह से वो तो और दूर जाता है, सॉइल में गिर जाता है। तो गाइस मानना ही तो पड़ेगा ना गाइस, ऐसा क्या करते हो, तो उसके वजह से वो हो जाता है। तो गाइस अब अभी और एक है, हाँ तो गाइस मैं बता रहा था कि अरे यार गाइस मैंने ये क्यों रखा। तो गाइस ये है सैमसंग लेवल्यू के हेडफोन्स, जो आपको अगर आपको खरीदने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, अगर आपको अमेज़ॉन से ख़रीदना है तो अमेज़ॉन से खरीदो, अगर फ्लिपकार्ट से तो फ्लिपकार्ट से, गाइस फ्लिपकार्ट से कम प्राइस में आता है, उसकी प्राइस है 2000 रुपीज़ है, 64 या मालूम नहीं उसकी आगे की प्राइस, पर ये 2000 का है और ये बहुत ब्रांडेड है सैमसंग लेवल्यू। मैं आपको इसे कनेक्ट करके दिखाऊंगा गाइस, पक्का दिखाऊंगा। तो गाइस बस इसका ऑन एंड ऑफ का बटन रहता है इधर, ओके इसको अगर हमने देखो गाइस ये तो ऑन ही है ऑलरेडी इसने, हाँ ऑन ही है गाइस, मैंने ऑन किया था उसे। अब गाइस मैं इसे ऑफ़ करता हूँ, ओके गाइस मैं अभी इसे ऑफ़ करता हूँ। तो गाइस आपको इधर एक ऐसा ब्लू वाला ऑरेंज दिखेगा, दूसरे दूसरे टायर कलर्स के रहते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो मेड इन इंडिया है गाइस, ये मेड इन विंटम है गाइस ये। तो गाइस सैमसंग लेवल्यू के हेडफोन्स बहुत ब्रांडेड गाइस हैं, और अब मैंने इसे ऐसा चालू किया, और फिर इधर से एक बटन रहता है वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन का, देखो गाइस वॉल्यूम अप वॉल्यूम प्लस का दिख रहा है गाइस आपको, गाइस आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा गाइस प्लीज़, अब अभी नहीं दिख रहा होगा, पर आपको ऐसा बटन दबा के रखना होगा और आपका ब्लूटूथ डिवाइस के अंदर का ब्लूटूथ चालू करना होगा, और फिर आपको उधर दिखेगा सैमसंग लेवल्यू, फिर आपको उस पर कनेक्ट का बटन दबा के मतलब वो दबा के फिर वो बड़ा सा बटन दबाना है इसका प्लस और माइनस के नीचे वाला दबाना, दबा के रखना, और फिर वो ऐसा वाइब्रेट होता है कनेक्टेड फॉर ऑल कॉल एंड मीडिया, ओके गाइज। तो ये था इसका ये, तो गाइज इसे यार 4-5 महीने हो चुके हैं। तो गाइज अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर, और नहीं बोलूँगा फिर वो बंद हो जाता है, नहीं बोलूँगा मैं, पक्का नहीं बोलने वाला वो, तो गाइज आप वर्ड छोड़ ही दो, मैं नहीं बोलने वाला वो वर्ड। आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो गाइज, यार आपने 100 व्यूज का सब यार व्यूज कर दिया आपने गाइज, और 37 सब्सक्राइबर्स, प्लीज़ आप 50 सब्सक्राइबर्स कर दो यार मेरे, तो हमारा चैनल पूरा हिट हो जाएगा।
टी सीरीज जैसा हमें करना है 164 मिलियन सब्सक्राइबर्स। अगर हमारे 1000 भी हुए ना, 1 करोड़ भी हुए, तो गाइस धमाका होगा, धमाका। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बाय बाय गाइस, मिलते हैं आपको अगली लाइव स्ट्रीम में ना। टॉप 5 इन्फॉर्मेशन 2.0 वाला फैंस है ना, अब मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरा दूसरा चैनल है, मैं उस पर लाइव स्ट्रीम करूँगा, छोटे मोटे वीडियो चलते रहूँगा, शॉर्ट वीडियो चलते रहूँगा। गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर प्लीज़। बाय बाय।